डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लास्ट क्लास में अपने यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 6 पढ़ लिया था, जिसमें यूजेज ऑफ डायमेंशन हो चुके थे। और आज उससे आगे का टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? इन डायमेंशनल इक्वेशन, इन डायमेंशनल इक्वेशन द इंफॉर्मेशन अबाउट प्योर नंबर एंड डायमेंशनल कॉन्स्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेंड, कैन नॉट बी ऑब्टेंड। फॉर एग्जाम्पल, टी इक्वल टू 2π अंडर रूट एल बाई जी, और बाई दिस मेथड इसमें जो कॉन्स्टेंट 2π है, डायमेंशनलेस है, उसके अबाउट में, इसके बारे में कोई जानकारी, इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। सेकंड है द क्वांटिटी विच इज डिपेंड अपॉन मोर देन 4 फिजिकल क्वांटिटीज, नहीं, मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज, द फॉर्मूला कैन नॉट बी डिराइव्ड बाई दिस मेथड, बिकॉज 3 फिजिकल क्वांटिटी वी ऑब्टेन 3 इक्वेशन एम एल टी। थर्ड, बाई डायमेंशनल मेथड दोज फॉर्मूलेज विच इन विच यूजेज लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर यूज कैन नॉट बी डिटरमाइंड और कैन नॉट बी ऑब्टेंड बाई डायमेंशनल मेथड। ओके, से फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनल मेथड से ऑब्टेन नहीं हो सकता। रदर फोर्ड शोडिलो एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमड़ा टी, एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमड़ा टी, ये फॉर्मूला भी बाई डायमेंशनल मेथड एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। फोर्थ लिमिटेशन है, दे डोंट गिव अबाउट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, दे डोंट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशनल मेथड से ये पता नहीं चलता कि क्वांटिटी स्केलर है या फिर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा ए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा ए। इफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर ए वन ए टू डैश डैश ए एन, ए वन ए टू डैश डैश ए एन, देन द मीन वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू इज टेकन एज एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। तो इनका मीन है ए एम ऑब्लिक ए बार एवरेज वैल्यू इक्वल टू ए वन प्लस ए टू डैश डैश ए एन डिवाइडेड बाई एन, ए एन डिवाइडेड बाई एन। वी राइट ए एम ऑब्लिक ए बार इक्वल टू वन बाई एन समेशन साइन
आई इक्वल टू वन टू एन ए आई, आई इक्वल टू वन टू एन ए आई, आई की वैल्यू वन पुट करेंगे तो ए वन, प्लस आई की वैल्यू टू पुट करेंगे तो ए टू, प्लस डैश डैश आई की वैल्यू एन पुट करेंगे तो एन डिवाइडेड बाई एन, ये वापिस इससे फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और फर्स्ट मेजरमेंट डेल्टा ए वन इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू ए एम माइनस मेजर्ड वैल्यू ए वन, डेल्टा ए टू सेकेंड ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर ए एम एक्चुअल वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू क्या हो गई ए टू, डैश डैश डेल्टा ए एन इक्वल टू ए एम माइनस ए एन, ए एम माइनस ए एन, डेल्टा ए वन एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, डेल्टा ए टू एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन, और डेल्टा ए एन एब्सोल्यूट एरर इन nth ऑब्जर्वेशन। द एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव इन केस ट्रू वैल्यू इज ग्रेटर देन मेजर्ड वैल्यू, डेल्टा या एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव। ट्रू वैल्यू इज लेस देन मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू लेस देन मेजर्ड वैल्यू एब्सोल्यूट एरर कैन बी नेगेटिव, एंड ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू आर इक्वल देन एब्सोल्यूट एरर विल बी जीरो। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना। सेकंड पॉइंट, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, द अरिथमेटिक मीन, द अरिथमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर, द अरिथमेटिक मीन, द अरिथमेटिक मीन ऑफ, अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर बाई वेरियस मेजरमेंट इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। अरिथमेटिक मीन डेल्टा ए एम डेल्टा ए बार, अरिथमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, अरिथमेटिक मीन फर्स्ट का मेडुलस ए वन, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, जो वैल्यू पॉजिटिव है वो पॉजिटिव लेनी है, जो वैल्यू नेगेटिव है उसको भी क्या लेके चलनी है अपने को, पॉजिटिव। डेल्टा ए वन का मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा ए टू प्लस मॉडुलस ऑफ डैश डैश मॉडुलस ऑफ डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाई एन, डेल्टा ए एम डेल्टा ए बार इक्वल टू वन बाई एन समेशन साइन आई इक्वल टू वन टू एन डेल्टा ए आई, डेल्टा ए आई ये भी लिख सकते हैं। थर्ड, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू इज नोन एज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए एम डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू ए एम और ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, डेल्टा ए एम बाई ए एम। ओके, या फिर फॉर्मूले में क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाई ए एम। फोर्थ पॉइंट, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर,
relative error can be expressed in percentage is known as percentage error. और percentage error का formula delta am divided by am into 100%, ये formula आ जाएगा. delta am divided by am into 100 is absolute percentage error. ये percentage error होगा. अब कुछ अपन related question करेंगे. first question है, क्वेश्चन फर्स्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस एक्स कवर्ड बाय पार्टिकल, द डिस्टेंस एक्स कवर्ड बाय ए पार्टिकल, द डिस्टेंस एक्स कवर्ड बाई ए पार्टिकल इज डिपेंड अपॉन टाइम एज फॉलोज, एक्स इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, डिटरमाइन डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी. ओके, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म आर इक्वल, इट मीन्स डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी. आंसर, डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी, ए इक्वल टू x by t, x is distance denoted by l, t is time denoted by t, तो m 0 l 1 t minus 1 dimension होगा. dimension of x equal to dimension of bt square, b इक्वल टू एक्स बाई टी स्क्वायर, एल बाई टी स्क्वायर, एम जीरो एल वन टी माइनस टू, एम जीरो एल वन टी माइनस टू. तो a की डायमेंशन हो गई एम जीरो एल वन टी माइनस वन और b की डायमेंशन एम जीरो एल वन टी माइनस टू. ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. सेकंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, इफ फोर्स लेंथ एंड टाइम आर फंडामेंटल, टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटी
fundamental quantity, then dimension of mass will be the then dimension of mass will be answer the dimension of force the dimension of force F equal to m की power 1 l की power 1 t की power minus 2 m1 l1 t minus 2 हमें dimension of mass चाहिए dimension of mass m equal to f divided by l1 t minus 2 f1 l minus 1 t 2 okay ये सेकंड क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड अपॉन टाइम डिपेंड अपॉन time according to v equal to alpha t plus beta divided by t plus gamma determine the dimension of alpha, beta and gamma. Answer. Dimension of velocity v equal to dimension of alpha t velocity की dimension m0 l1 t minus 1 और alpha into t की dimension t1 तो alpha equal to m0 l1 t minus 1 divided by t1 m0 l1 t minus 2 ये इसकी dimension आ गई m0 l1 t minus 2 किसकी dimension आ चुकी alpha की. अब dimension beta और gamma की निकालने gamma की dimension किसकी equal आएगी t की equal आएगी gamma क्योंकि जो dimension t की होगी वही gamma की होगी gamma equal to t1 फिर v dimension of velocity v equal to dimension of
ऑफ बीटा वन प्लस गामा एम नॉट एल वन टी माइनस वन, और ये आ जाएगा बीटा वन प्लस नहीं टी प्लस गामा वन टी प्लस गामा, ये आ गया आपके पास एल बाई टी। तो बीटा इक्वल टू वन प्लस टी प्लस गामा। अब इसकी डायमेंशन, गामा की डायमेंशन किसके इक्वल है, टी के, टी इक्वल टू टी हो गया। कंपेयर कर लें तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। कंपेयर ऑन बोथ साइड्स बीटा इक्वल टू एल वन, बीटा इक्वल टू एल वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन मेजरमेंट, इन मेजरमेंट आर 2.63 सेकंड, 2.56 सेकंड, 2.42 सेकंड, 2.71 सेकंड एंड 2.80 सेकंड। कैलकुलेट कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर मीन, एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, ओके। आंसर गिवन टी वन इक्वल टू 2.63 सेकंड, टी टू इक्वल टू 2.5 सेकंड, टी थ्री इक्वल टू 2.42 सेकंड और टी फोर इक्वल टू 2.71 सेकंड, टी फाइव इक्वल टू 2.80 सेकंड। ये हो गया टी एम इक्वल टू टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर प्लस टी फाइव डिवाइडेड बाई फाइव। मीन वैल्यू विल बी ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, और ये आपके पास 2.63 प्लस 2.56
प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 और डिवाइडेड बाई क्या 5 डिवाइडेड बाई 5। तो टी एम इक्वल टू इन सबको अपन ऐड कर लें, ऐड करेंगे तो 3, 6, 5 ये हो गया 3, 9, 9, 11, 11, 12 का आ गया 2, 1, 6, 6 और 4, 10, 15, 15 और 15, 30, 30 और 1, 31 ये आ गया 10, 10 और 13.12 डिवाइडेड बाई 5, 13 में 2.3, 31 में 6, 1 रिमेनिंग हो गया और ये आ गया 2, आ गया 2, फिर 4, 2.62 सेकेंड नियर अबाउट। एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन डेल्टा टी वन, डेल्टा टी वन इक्वल टू टी एम माइनस टी वन, टी एम की वैल्यू 2.62 माइनस 2.63 इक्वल टू माइनस 0.01 सेकेंड, डेल्टा टी टू इक्वल टू टी एम माइनस टी टू इक्वल टू 2.6362 माइनस 2.56 इक्वल टू 0.06 सेकेंड, डेल्टा टी थ्री इक्वल टू टी एम माइनस टी थ्री 2.62 माइनस 2.42 इक्वल टू 0.20 सेकेंड, डेल्टा टी फोर टी एम माइनस टी फोर 2.62 माइनस 2.71 इक्वल टू माइनस 0.09 सेकेंड, डेल्टा टी फाइव इक्वल टू टी एम माइनस टी फाइव 2.62 माइनस 2.80 इक्वल टू माइनस 0.18 सेकेंड। ये क्या आ गई, एब्सोल्यूट एरर आ गई इन ईच ऑब्जर्वेशन, इनमें से कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं। अब मेन एब्सोल्यूट एरर अपने को निकालनी है, उसके बाद में रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा टी एम मॉडुलस ऑफ डेल्टा टी वन प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा टी टू प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा टी थ्री प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा टी फोर प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा टी फाइव। मॉडुलस का मीनिंग क्या है कि जो इसमें पॉजिटिव है वो तो है ही है, जैसे ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इनको भी क्या लेके चलने हैं, अपने को पॉजिटिव लेके चलने हैं। ओके, तो डेल्टा टी एम इक्वल टू 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 जीरो लगा दिया इसे प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई 5। डेल्टा टी एम इक्वल टू 20 और 18, 38, 38 और 9, 47, 47 प्लस 6, 53, 54 0.54 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0.108 इक्वल टू 0.11 सेकेंड। ये मेन एब्सोल्यूट
एरर आ गई। इसके बाद में रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर एरर इक्वल टू डेल्टा टीएम बाय टीएम, डेल्टा टीएम 0.11 बाय 2.62 ये आ जाएगा, और इसको डिवाइड अपन करेंगे तो 0.0419 नियर अबाउट समथिंग परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इक्वल टू डेल्टा टीएम बाय टीएम इनटू 100, और ये आ गया डेल्टा टीएम बाय टीएम क्या आ जाएगा 0.0419 इनटू 100 इक्वल टू 4.19% ये आंसर होगा। ओके नेक्स्ट अगली क्लास।